एक और राज्य को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में सियासी हलचल तेज है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बना सकती हैं। यह अटकलें इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन चर्चाओं ने तब तेजी पकड़ी जब साल के आखिरी दिन गांडे सीट से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री सोरेन ने बुधवार को शाम 4:30 बजे पार्टी की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में वर्तमान सियासी संकट पर चर्चा हुई। वहीं आपको बता दें कि ईडी हेमंत सोरेन से एक भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में पूछताछ करना चाहती है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से हेमंत को 7 समन भेजे जा चुके हैं। इसे ईडी का आखिरी समन बताया गया है। वहीं हेमंत लगातार इन समन को स्किप करते आ रहे हैं। कानूनी जानकार कहते हैं कि ईडी चाहे तो सोरेन के घर आकर पूछताछ कर सकती है या गिरफ्तार भी कर सकती है। यही वजह है कि हेमंत किसी कार्रवाई से पहले सीएम की कुर्सी सुरक्षित रखने की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जानकार कहते हैं कि गठबंधन विधायकों की बैठक में ईडी के किसी भी एक्शन लेने की स्थिति में विकल्पों पर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, उसके बाद हेमंत सोरेन अगला कदम उठा सकते हैं। हालांकि सूत्र यह भी कहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन और नए नेतृत्व का फैसला आगे के लिए टाला भी जा सकता है। इससे पहले मंगलवार सुबह महाधिवक्ता राजीव रंजन को सीएम हाउस बुलाया गया था, जिसके बाद सियासी चर्चा होने लगी थी। सूत्र कहते हैं कि सीएम ने ईडी को जवाब देने के संबंध में भी महाधिवक्ता से बात की है। दरअसल ईडी ने 29 दिसंबर को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा था और पूछा था कि वो पूछताछ के लिए खुद तिथि समय और जगह की जानकारी दे सकते हैं। ईडी ने 2 दिन का समय दिया था। हेमंत ने इसका 4th दिन जवाब भेजा। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने पत्र में कहा, अगर ईडी फेयर इन्वेस्टिगेशन करे तो वो जांच में हर तरफ से मदद करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है और वो आगे भी पूछताछ के लिए तैयार हैं। अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने ईडी पर मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया। हेमंत का कहना है कि मुझे समन बाद में मिलता है, पहले मीडिया तक जानकारी पहुँच जाती है।